उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आपको यहाँ इसलिए भेजा जा रहा है कि एक खास वोट बैंक पर, और बहुत साफ कहूं तो यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्या ये समीकरण है? और इसलिए पूछ रहा हूं सर, आप आजमगढ़ भी होकर आए, वहां से भी वो सांसदी लड़ चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य वहां से अभी भी सांसदी लड़ रहे हैं, वहां पर भी ये बात कही गई थी और आपको बखूबी पता होगा, भले आप कह लें लेकिन खबरें खूब आप पढ़ते हैं, हमको ये पता है, अखबार खूब आप पढ़ते हैं, हमको ये भी पता है, आपने पढ़ा होगा कि अखिलेश जी ने क्या कहा था आपके पिछले दौरे पर और अब। कोई क्या कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई मेरे समाज को भी बताता हूँ, देश को भी बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बजाय कोई एक परिवार के आधार पर ही उसी परिवार में से वंशवरगत मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, इसके बजाय किसी को भी मौका देती, मेरे जैसे परिवार वालों को मौका देती है। जैसे मेरे पिताजी को सांसद नहीं रहे, मेरे भाई कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री हमारे घर से कभी बना नहीं है, लेकिन किसी को भी बना करके उनको इस तरह से पार्टी सम्मान देती है, ये तो बड़े गौरव की बात है ना। और यही पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। आज़ादी के पहले इसी बात के लिए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी का सपना देखा था, भाई हमारे यहाँ जनता की लड़ाई जनता लड़े, और जनता में से कोई भी लड़ सकता है, कोई भी चुना जा सकता है, तो क्यों कोई एक परिवार पर सीमित हो रहा है? ये जो मूल मुद्दा है तथाकथित परिवारवादी भाव का, इसी परिवारवादी भाव से तो हमारी लड़ाई है। यादव जी, उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव, दोनों राज्यों में आपके बराबर कार्यक्रम लगे हैं, और ये कहा जा रहा है और कई विश्लेषक ये मानते हैं कि रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के पास अपने समाज का वोट बैंक है और बिहार में जो तेजस्वी यादव के पास है, आपके जरिए आपको एक बड़ा चेहरा बनाकर, और इसलिए देश के दो बड़े सियासी राज्यों में आपके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, उस वोट बैंक तक भाजपा पहुंचे। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 7 राज्यों में जा रहा हूं, वो 2 राज्यों में नहीं जा रहा, और वो भी मेरे राज्य के चुनाव कराने के बाद। मेरे राज्य में मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबूलाल जी गौर के परिवार में कोई विधायक मंत्री नहीं था, वो भी प्रतापगढ़ यूपी से गए थे, भोपाल बसे, बाद में मुख्यमंत्री बने, मंत्री वर्षों रहे। मेरे परिवार में मैं भी पुराना आजमगढ़ का निवासी हूँ, बाद में मध्य प्रदेश बिहार होते हुए हमारे परिवार पहुंचा और आज हम वहां से अपनी दायित्व रहे हैं। तो हमारे लोगों के पीछे बात जाना चाहिए कि जिसमें क्षमता योग्यता होगी भाजपा से जुड़े, यहाँ किसी एक परिवार का ठेका नहीं है, हर एक का स्वागत है, कोई किसी परिवार से भी आ सकता है। यही बात तो इसका उदाहरण मैं अगर हूँ तो मुझे गर्व है इस बात का, और मैं किसी के सामने डंके की चोट बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, सबके सामने बोलना चाहिए। और ये जो अभी आपने कह दिया, आप जो अपने रूट्स बताते हैं कि आजमगढ़ से एक रिश्ता है, आजमगढ़ से एक जुड़ाव है, वहाँ अपने कार्यक्रम किया, वो कई लोगों को तकलीफ भी देता है। किसी को तकलीफ दे उससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसके लिए तो जवाबदार नहीं हूँ ना। मेरा ससुराल अगर सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो है जो है वो है ना, किसी के बारे में कोई कुछ भी कहे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक चीज आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, हवा का रुख भांप रहे हैं, हाथ से आप अमेठी की हवा की बाट जो हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार और 7 राज्यों जैसा आपने कहा वहां जाएंगे, हवा का रुख क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा जिस समुदाय का से आप जुड़े हैं लगातार, वहां की तकलीफ परेशानी लोगों ने आपको बताई होगी, और मैंने जो दो नाम लिए क्योंकि ये माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में इन जातियों पर इन पार्टियों का प्रतिनिधित्व है, क्या वो तोड़ पाएंगे, वहां क्या फीडबैक है, आपसे लोग मिलते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए तो सबके सामने साबित हो गया, जिस लोकसभा में मैं आया था वर्षों से यहाँ एक ही परिवार का कब्जा था, लेकिन जनता ने उखाड़ फेंका कि नहीं फेंका, तो ये इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करेगा, निर्वाचन में वो विजय होगा। अमेठी में उदाहरण हुआ इतना बड़ा, और आज बताइए ना, एक हिम्मत नहीं पड़ रही कांग्रेस के लोग यहाँ से भागे, वो तो केरल तक पहुंचे और केरल से भाग करके और वापस ही आना चाहते, ना यहाँ रहना चाहते ना वहां रहना चाहते, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छा एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में जो सियासी विरोधी हैं सर, वो आपके दौरों पर बड़ा कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मोहन यादव जी को लाकर उत्तर प्रदेश भाजपा ये बता रही है कि उनके पास इस वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और इस वर्ग को दिखावा के लिए, इस वर्ग में एक तरीके से एक बाट जो होने के लिए दिखाने के लिए आपको बार बार यहाँ लाया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि बताया जा सके कि हमारे पास कोई यादवों में इस तरीके से बड़ा नेता है। देखिए ये इसी बात का जवाब है, हमारे पास तो यहाँ भी अपने, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी जी हो, हर मंत्रिमंडल में हमारे यादव बंधु कोई ना कोई मंत्री रहे हैं, और ये यादव बंधु यहाँ मंत्री रहे या किसी और राज्य में मुख्यमंत्री भी बनते हैं,
तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोग भी आके क्यों बात नहीं कह सकते। ये बताए ना कि इनके घर के बाहर से कभी इनने मुख्यमंत्री बनाया है को, जो बोलने वाले हैं वो कहे ना कि हाँ हमने दूसरों को मौका दिया। वो क्यों मौका नहीं दे रहे? और वो क्या उनका पूरा घमंडिया गठबंधन किसी को मौका नहीं देता है? क्यों नहीं देता मौका? दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल तो बड़ी लोकतंत्र की पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी पत्नी को आगे क्यों कर रहे हैं? ये वही बात आ गई ना जो हर एक दूसरा कर रहा है, ये गए वो आए वो गए वो आए, लेकिन होना परिवार का ही चाहिए, बाहर पे भरोसा नहीं करते। मैं बताऊं, अटल जी हमारे प्रदेश से आते थे, आज अटल जी ने देश का प्रतिनिधित्व किया, 50 साल अपोजिशन में रहे, उनका परिवार का कोई वो वंश का कोई अभी कोई हमारी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बना दिख रहा है क्या आपको? माननीय मोदी जी का परिवार का कोई वंश का कोई अभी मंत्रिमंडल में या प्रधानमंत्री का भावी दावेदार दिख रहा है क्या? इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई नहीं रहा, तो ये मेरा उदाहरण है कि नहीं? तो लोकतंत्र में जो करके दिखा दिया है वो भाजपा है, और जो झूठ बोलते वो बाकी सब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।